दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन करना इजी है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है या आपको पता है कि आपके घर की कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका घर जितना भी है, 1000, 2000, 1500, 20000, जितना भी स्क्वेयर फीट एरिया है, आप इजीली इस वीडियो के बाद निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप सिविल इंजीनियर हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, लोकल घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो आप भी इस वीडियो के बाद निकाल लोगे कि जुलाई अभी चल रहा है 2022 में क्या खर्चा आएगा घर बनाने का। मटेरियल से लेके लेबर के मैं रेट आपको बताने वाला हूँ कि सरिया सीमेंट कितना, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, वो सब कुछ हम थंब रूल की हेल्प से करेंगे, रेट की हेल्प से करेंगे। तो इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है कि आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर उसके बाद आप लोन ले सकते हो या एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारे पास इतना पैसा है, इतने टाइम बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और इजिली इससे हम पूरी निकाल सकेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो सब जो डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पुरानी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसी का डाटा है। तो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2022 की हम बात करेंगे, तो मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ कैमरा। तो देखो, सबसे पहले हमारी 100% खर्चा हमारा होने वाला है, कोई हमारा घर की कंस्ट्रक्शन, हम घर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारा रहता है मटेरियल, 75% हमारा खर्चा किसमें जाता है, मटेरियल में। अगर हमारा बाई चांस 15 लाख लगने वाला है, उसमें हमारा 75% मटेरियल का खर्चा होगा और उसमें जो बचेगा 25% हमारा खर्चा किसमें होगा, लेबर में खर्चा होगा। ये चीज हर एक कंस्ट्रक्शन में होती है, मतलब अगर आप पकड़ के बैठ जाओ कि 25 ही होगा, नहीं, 25.26 हो जाएगा या 24 हो जाएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द रहेगा। मैं समझाता हूँ इस चीज को और अच्छे से आगे, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, सबसे पहले हमारे इंडिया में कंस्ट्रक्शन क्लास ए बी सी डिफ्रेंशिएट की है, कोई ए क्लास बी क्लास कुछ है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिफरेंशिएट किया है, क्या डिफरेंशिएट किया है, जो हमारे क्लास ए के घर रहते हैं, आपने बिलास देंगे देखे होंगे, बंगलो हो गए, जिसमें सब चीज़ें ब्रांडेड है, मतलब इटालियन से लेके भारत से मटेरियल आ रहा है, सब चीज़ें तो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं उसमें चीज़ें, तो इंटीरियर भी उसका पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं, बाहर की एलिवेशन भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका खर्चा 2000 से हमारा 2800 पर स्क्वेयर फीट चला जाता है। कितना, 2000 से 2800 रुपया पर स्क्वेयर फीट हमारा उसका खर्चा चला जाता है। लेकिन जो हमारा रहता है क्या, क्लास बी का घर, उसमें क्या हमारा रहता है, उसका खर्चा होता है 1500 से 1800 स्क्वेयर फीट। इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें हम ब्रांडेड यूज़ करते हैं, कुछ बजट वाली यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें, मतलब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि हम इटालियन मार्बल मंगवा रहे हैं या ऐसी चीज़ें मंगा रहे हैं कि इंटीरियर के लिए पूरा अलग से डिज़ाइन कर रहे हैं, एलिवेशन के लिए अलग से डिज़ाइन कर रहे हैं, 3D व्यू बनवा रहे हैं, ऐसे कुछ बेफालतू खर्चे नहीं करते। क्वालिटी और कुछ चीज़ें मेंटेन करके हम क्लास बी का घर बनाते हैं, और नॉर्मली जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम क्लास बी की ही करते हैं। क्लास सी की कंस्ट्रक्शन कौन सी आ गई, क्लास सी की हो गई जो लोकल मटेरियल आप यूज़ करोगे, क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज़ होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोकल वेंडर से आप लोगे, कहीं स्टील में पैसा बचा रहे हो, सीमेंट में पैसा बचा रहे हो, क्वालिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे चल रही है, तो वो क्लास सी के घर रहते हैं, वो उनका रेट है 1050 से 1200 पर स्क्वेयर फीट, ठीक है। क्या है मैं समझाता हूँ, देखो एक कोई घर है हमारा, मैंने एग्जांपल लिया है, और हमेशा मैं 50x20 का घर क्यों लेता हूँ, ये भी कमेंट आते हैं, इसमें क्या है, इजीली समझ जाते हो, अगर 1000 स्क्वेयर फीट, मतलब 100, 1000, 2000 जो समझने में इजी होता है, इसलिए आपके ये लिए रहता है। तो ये 50 स्क्वेयर फीट है और ये 20 स्क्वेयर फीट है, ठीक है। हमारा प्लॉट है 50 ऐसे है और 20 ऐसे है, तो क्लास बी का घर की कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करोगे, क्लास बी बहुत ज़्यादा अच्छा घर है, तो क्लास बी की, तो हमारा 50x20 का हमारा प्लॉट है, क्लियर। तो 50x20 की हमने आ गया, हमारा 1000 स्क्वेयर फीट का हमारा एरिया बन गया कि हमारा 1000 स्क्वेयर फीट घर बनने जा रहा है, और उसमें हमने खर्चा पकड़ लिया कि 1800 रुपया पर स्क्वेयर फीट खर्चा पड़ेगा हमें विद मटेरियल, मतलब पूरा कंप्लीट घर करने में, तो इस समय इतना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है। 1800 तो पड़ ही जाता है इतना खर्चा अगर अच्छा मटेरियल यूज़ करोगे, तो टोटल कॉस्ट निकालिए तो हमारा 18 लाख रुपया लगेगा 1000 स्क्वेयर फीट के घर को बनाने में, अगर हम क्लास बी का घर बनाते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, ठीक है। कितना, 18 लाख रुपया, ये कहाँ कैसे लगेगा ये हम आगे निकालेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी घर बनाना है उसके लिए ड्राइंग आपको मस्ट बनानी है, ड्राइंग ज़रूरी है, क्योंकि इतना खर्चा 18 लाख रुपए लगा रहे हो, उसमें से 1% खर्चा अगर आप ड्राइंग पे करोगे, उससे क्या होगी, आपकी जो जगह होगी, आपकी जगह है वो अच्छे से कंज्यूम हो जाती है, पूरा एरिया में अच्छा से रूम बन जाएगा, स्टैंडर्ड साइज से सब कुछ क्लियरली हो जाता है, ठीक है। तो आपको ड्राइंग करनी है,
जो 2D प्लस 3D का रेट इस समय है, मैक्सिमम रेट ले लिया मैंने, इससे सस्ता मिल जाएगा 12 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट इस समय रेट है। कितना? 12 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट का हम घर बनाने जा रहे हैं, तो मैं 12 रुपये पकड़ लेता हूँ, 1000 × 12 मतलब हमारा 12000 रुपया खर्चा आ जाएगा। इसमें आपको क्या कर देंगे, वो प्लान बना के दे देंगे, प्लिंथ बीम कहाँ आएगा, कॉलम कहाँ आपको देना है, स्टेयर केस, थोड़ा 3D व्यू उसका दिख जाएगा, एलिवेशन कुछ ऐसी दिखेंगी, मतलब बेसिक डिटेल आपको सब कुछ मिल जाएगी। अगर अगर कोई इससे कंपेयर करेगी, इसमें क्या होना था क्लास ए में, क्लास ए में ये होना था पूरा उसका वॉक थ्रू बनना था, अंदर से रूम कैसे दिखेंगे, सोफे कहाँ, ये वो पूरा 3D व्यू, एलिवेशन कैसे दिखेंगी, स्ट्रक्चर डिटेल भी मिलती हैं उसमें। इसमें आपको स्ट्रक्चर डिटेल नहीं मिलेंगी, लेकिन स्ट्रक्चर डिटेल अगर आप ग्राउंड फ्लोर या 2BHK मतलब डबल ड्यूप्लेक्स बना रहे हो तो इतनी कोई जरूरी नहीं है, इतना आपको गाइडेंस कॉन्ट्रैक्टर भी दे देगा और बेसिक आपको ये मिल भी जाएगी। इवन आपको जहां से ड्राइंग बना रहे हो वो भी आपको गाइड दे देते हैं 12000 रुपए में, कभी कभी स्ट्रक्चर की डिटेल भी वो प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल कंस्ट्रक्शन है, जनरल कंस्ट्रक्शन में इतना ज्यादा वो कुछ करना नहीं होता उनको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमारी यूज होती है वो होती है सीमेंट। तो सीमेंट के लिए क्या करना है, सीमेंट हमारा कितना लगता है, एक कोफिशेंट है, ये थम रूल है हमारे 0.40। तो एरिया हमारा कितना है? देखते रहना, ऐसे ही निकालना होता है आपको, घर में सीमेंट कितना लगेगा आप इससे निकाल सकते हो। 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, आपका 2000 होता आपने यहाँ 2000 लिखना था, आपका 800 होता आपने 800 लिखना था, 600 होता 600 लिखना था, हमारा है 1000 स्क्वायर फीट। तो हमारा थम रूल क्या है, 0.40, ठीक है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में 400 बैग सीमेंट लगेंगे। और ये मत करना कि 400 बैग एक साथ लेके आगे, थोड़े थोड़े लाइए, 200 भी नहीं मैं बोलूंगा, 100 बैग लाइए, फिर 100 बैग लाइए, कि उससे क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन्ड रहती है, सीमेंट खराब नहीं होता। ऐसे लाके रख दोगे वो खराब हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने बाद सीमेंट ऐसे भी थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ लूज करने लग पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर से मॉइस्चर सब कंडीशन खराब हो जाती है यहाँ के। तो इस समय जो रेट चल रहा है, अगर मैं ACC सीमेंट की करूँ या अंबुजा की बात करूँ, फिर से रेट बढ़ रहे हैं अभी, कोई भी सीमेंट है अल्ट्राटेक है, तो उनके 430 440 ऐसे रेट चल रहे हैं, ठीक है। तो 400 बैग हमारे लगने वाले थे, तो 400 × कर दिए, तो हमारा आ गया 172000 रुपये हमारा किसमें, सीमेंट में चला जाएगा। काफ़ी पैसा हमारा सीमेंट में चला जाता है, क्योंकि यही तो हमारे घर को पकड़ के रख रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, 172000 रुपये हमारा इसमें चला जाएगा, क्लियर। फिर आते हैं हम स्टील की तरफ, तो हमारे घर में स्टील भी बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टील। तो स्टील का कितना खर्चा है, देखो एरिया इंटू ये फिर आ गया कोफिशेंट, यही जो हमें गाइड कर रहा है कि हमारे घर में कितना लगेगा। एरिया कितना है हमारा, 1000 स्क्वायर फीट, और ये 2.7। आप कभी कोई पूछेगा कि 2.7 कहाँ से आ रहा है, ये कोफिशेंट है, थम रूल है, पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, एक जैसे घर बने हुए 20 घर एक जैसे बन गए, उनमें हमें पता चल गया कि 3 टन लगता है, 2.5 टन लगता है, यहाँ 2700 kg लग रहा है, तो आइडिया लग गया कि 2700 kg से 3 टन तक सरिया हमारा लगेगा। तो वही चीज़ है, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट हमारे एग्जाम्पल आपका जितना भी हो, तो 2.7 × हो गया हमारा 2700 kg हमारा स्टील लगेगा। इस समय टाटा का, जिंदल पैंथर या सेल का, तो 92 से 95 रुपये पर GST हमारा रेट चल रहा है, 92। तो 92 × 2700 अगर हम करते हैं, 92 रुपये kg, तो 2700 kg हमारा लगेगा, 92 × 2700 kg 248400 रुपये का हमारा क्या लग रहा है, स्टील लगने जा रहा है घर की कंस्ट्रक्शन में। फिर हम बात करते हैं, आगे आ जाते हैं सैंड की तरफ, हमारे घर में रेता जो सैंड लगेगा, बालू कई लोग बोलते हैं, तो बालू कितना लगेगा, एरिया हमारा हमें पता है 1000 स्क्वायर फीट है, ये आ गया कोफिशेंट, ठीक है, थम रूल आ गया। तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1000 × कोफिशेंट हमारा आ गया 1480 CFT क्यूबिक फीट हमारी कितना सीमेंट लग रहा है। और जो मार्केट में इस समय रेट है 60 रुपये 62 65 ऐसे रेट मिलता है, ठीक है, रिवर सैंड के बारे में बात करो, एम सैंड नहीं। तो 1480 × 60 हम करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 88800 रुपये हमारा खर्चा आएगा इसमें सैंड में। फिर हम एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट और हर चीज़ का जो मैं बता रहा हूँ क्वालिटी चेक कर लेनी है आपको, क्वालिटी कैसे चेक करनी है इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, हर एक चीज़ की वीडियो है। एग्रीगेट जो हमारा कब्जी होती है, बजरी होती है, उसका क्या रहेगा, एरिया हमारा है 1000 स्क्वायर फीट, आपका जितना भी होगा आपको वो लिखना है, इंटू 1.35 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारा कोफिशेंट है 1.35 CFT। तो हो गया हमारा 13, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारा 1350 CFT, ठीक है। तो 65 रुपये इस समय रेट है, 65 पे 60 रुपये मिल जाती है, 55 भी मिलती है, बजरी सस्ती है वो थोड़ा, लेकिन रेट पकड़ लिया मैंने, मैक्सिमम पकड़ लिया, 87750 रुपये हमारा एग्रीगेट पर खर्चा जाएगा। फिर जो ईंट होती है हमारी,
ईंट देखो पैरापेट में लगेगी, फुटिंग में लगेगी, फिर हमारी दीवारों पे लगेगी, तो एक स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने 22 पकड़ ली, कई जगह 19 लगती हैं, कई जगह 18 लगती है, कई जगह 23 लग जाती हैं, तो 22 पकड़ ली, इतनी तो आपकी लगेंगी। तो एरिया हमारा 1000 × 22, तो 22,000 ईंट हमारी लगने वाली है 1000 स्क्वायर फीट घर में, ठीक है। और 9 रुपये इस समय रेट चल रहा है, एक अच्छी ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक लेते हो 9, 9.5 रुपये रेट है, तो वो आप यूज़ करिए। 1,98,000 मतलब 2,00,000 रुपया हमारा किस पे लगने वाला है, ब्रिक पे लगने वाला है, अगर हम रेड ब्रिक यूज़ करते हैं। अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं तो आपका 30-40,000 रुपया खर्चा कम रख लो, क्योंकि वो 6-7 रुपये में आपको मिल जाएगी। दोनों ब्रिक अच्छी हैं, अपनी अपनी खासियत है हर चीज़ की, वो भी आप देख सकते हो वीडियो। चलो मटेरियल हमारा साइट पे पहुंच गया सब कुछ, ठीक है। फिर हमारा काम शुरू होता है एक्सकवेशन का, खुदाई का, फुटिंग निकाली हमने। तो फुटिंग क्या पकड़ते हैं हम, हमारा जितना भी हो रहता है 2 CFT हम पकड़ते हैं फुटिंग की, हमारा 2 CFT पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। तो 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, तो 2 CFT हमने कर लिए, तो 2000 CFT हमारा एक्सकवेशन होगा, फुटिंग होगी, कितनी फुटिंग आएंगी, ठीक है, 2000, ठीक है। उसमें हमारा खर्चा पड़ता है 9 रुपये पर CFT के हिसाब से। आप उसको मैनुअल करवाओ, जहाँ JCB लगवाओ, JCB से जैसे इधर 18,000 लगे, वहाँ आपका 16,000 लग जाएगा, लेकिन 16 से 18,000 रुपये आपका लगने वाला है। आप पकड़ लीजिए 2000 × 9 रुपये करेंगे तो 18,000 रुपये हमारा एक्सकवेशन में लगेगा। फिर अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको करनी ही करनी है, सॉइल फिलिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं गलतियाँ गिना रहा हूँ, एक हमारी सीरीज़ चल रही है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट टू एंड, उसमें जो भी मिस्टेक कर रहे हैं लोग घर की कंस्ट्रक्शन में, वो सब मैंशन कर रहा हूँ, उसका अल्टरनेट आपको बताते जा रहा हूँ। तो सॉइल फिलिंग आपको कभी भी जो आपने मिट्टी पत्थर वाली निकाली उसको मत डालिए, एम सैंड मंगवा लीजिए, क्योंकि 10 से 20,000 रुपये का खर्चा है। तो जो एरिया है हमारा इंटू उसको कर देना है 1.5 से, आपको 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया इंटू 1.5 की 1500 CFT हमारा हो गया। 1500 CFT हमें सैंड चाहिए फिलिंग के लिए, और उसमें सॉइल प्लस लेबर का खर्चा कुछ 10 से 12 रुपये पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको यूज़ करनी है, 1500 हमारा CFT था, इंटू 12 कर दिया, 18,000 रुपया हमारा सैंड फिलिंग में लगेगा। सैंड फिलिंग कहाँ हो रही है, जो फुटिंग हमने खुदवाई थी उसके जब फुटिंग बन गई, मिट्टी डाली है ना, वो वाली है। फिर हमारा ये हो गया, हमारा एक्सकवेशन वगैरह हो गया। फिर हम बढ़ते हैं जो हमारा टाइल, अभी फिनिशिंग के आइटम भी करनी है हमें, तो हमारे टाइल कितनी लगती है हमारे घर में, तो उसका थंब रूल होता है 1000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है इंटू 0.07 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 70% हमारे फ्लोरिंग पे टाइल आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1000 × 0.07 से मल्टीप्लाई, 700 स्क्वायर फीट हमारा हो गया। और इस समय मार्केट में टाइल अगर हम बात करें तो किस हिसाब से है, 700 हमारा था, 55 रुपये आपको मिल जाएगी अच्छी टाइल, कजारिया की, AGL की, सोमामिनी की, तो हर चीज़ की मिलेगी, 38,500 रुपये हमारा टाइल पे मटेरियल का लगेगा। फिर वॉशरूम जो हमारे होते हैं, स्टैंडर्ड हमारे वॉशरूम का साइज़ होता है 7 फुट रखा है, और ऐसे आपका 3-4 रख दिया, ठीक है, तो हमारे 150 से 160 स्क्वायर फीट एक बाथरूम का मिलता है। तो हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं, 2 बाथरूम तो हमें चाहिए, तो हमने 2 कर लिया, तो टोटल हमारे एरिया बना हमारा 300 स्क्वायर फीट, उसको जो मटेरियल लगेगा 300 × 55, 16,500 रुपये हमारा किसका लग गया, वॉशरूम को टाइल का, ठीक है। यहाँ पहुँच गए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो किचन रहती है, हमारा ग्रेनाइट आता है उसकी शेल्फ पे, तो एल शेप की अगर आपकी किचन है, ठीक है, तो पकड़ के चलिए कुछ 60 से 70 फीट आपका ग्रेनाइट उस पे लगेगा, तो वो हमने ले लिया, 120 से 130 रुपये आपको एक अच्छा ग्रेनाइट मिल जाएगा। तो 60 × 120 अगर हम करते हैं तो हमारा 7200 रुपये किसमें, ग्रेनाइट में लगने वाला है, किचन का ग्रेनाइट पड़ गया। फिर हमारा होता है पोर्च प्लस स्टेयर केस, हमारा क्या आता है उसमें मार्बल आता है, तो मार्बल में क्या है, एरिया हमारा आ गया 1000 स्क्वायर फीट, और आपको 0.5 उसका पकड़ के रखना है कि आपके पोर्च और स्टेयर केस में अप्रॉक्स 0.5 मार्बल लगेगा, तो 1000 × 0.5 करेंगे तो 500 स्क्वायर फीट हमारा वो बनता है। तो इस समय मार्बल का लेबर प्लस मार्बल आपको 55 रुपये मिल जाएगा, तो 500 × 55 करेंगे, 2750 हमारा किसका, पोर्च और उसका खर्चा आ जाएगा। फिर हम पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, पेंटिंग हमारा जो हमारी पुट्टी होती है डबल कोट पुट्टी प्राइमर, तो उसमें आपका कितना खर्चा आएगा, 5 गुना कर लीजिए, जितने भी आपकी स्लैब होगी ना उतना 5 गुना कर लीजिए, इतना आपको वहाँ पुट्टी और प्राइमर करना है, तो वो हो गया हमारा 5000 स्क्वायर फीट, और 4 से 5 रुपये रेट चल रहा है, मैंने मैक्सिमम 5 रुपये रेट ले लिया, तो 25,000 रुपये हमारा किसका लगेगा, सिर्फ लेबर का लगेगी, किसकी,
पुट्टी और प्राइमर मारने के लिए, प्लस मटेरियल लगा लो 25,000 हमारा लेबर लग रही है, उसी में लगा लो 25,000 का हमारा मटेरियल लग जाएगा, टोटल 50,000 रुपये हमारा खर्चा किसमें पेंटिंग में चला गया। फिर जो पुट्टी वगैरह में, फिर पेंट जो हमें करना होता है उसका पकड़ के चलिए आपको कितना एरिया, 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा, कॉफी सेंटर 2.1, तो 2100 स्क्वायर फीट एरिया में हमें पेंट करना होता है, तो उसका हम पकड़ लेते हैं 18 रुपये मटेरियल, मतलब पेंट में मटेरियल भी आ गया प्लस लेबर आ गया, तो 18 रुपये, तो 37,800 रुपये हमारा पेंटिंग में चला जाएगा। प्लम्बिंग का कैसे आपको समझना है, एरिया इंटू रेट कर लो सीधा, मतलब उसमें आपका मटेरियल भी आ जाएगा और रेट भी, तो 1,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, उसमें 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पकड़ के चलिए मटेरियल प्लस लेबर, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, 1,00,000 रुपये हमारा प्लम्बिंग में खर्चा आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क जो रहता है उसमें भी आप 100 रुपये पकड़ के चलिए, एरिया इंटू 100 रुपये, तो 1,00,000 रुपये हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क में चला जाएगा। डोर और विंडो की अगर हम बात करें, अगर विंडो लगवाने जाते हो तो 3-4 विंडो तो आपकी 1,000 स्क्वायर फीट में आएंगी, तो पकड़ के चलना जितना आपका एरिया होगा ना 0.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, 500 स्क्वायर फीट में आपकी विंडो जा रही है, तो 140 रुपये हम लकड़ी का रेट पकड़ के चलते हैं कि इस समय 140 रुपये पर फीट हमें मिल जाएगी, तो हमारा 70,000 रुपये किसमें लग जाएगा, कोई विंडो की लकड़ी वकड़ी करने में ये सब चीज़ें। तो फिर डोर के लिए वैसे ही आपको 50 रुपये पकड़नी है 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 50,000 रुपये हमारा डोर पे लग जाएगा, तो इसके हम लेबर कॉस्ट 20% पकड़ के चलते 24,000, मतलब कुछ 1,50,000 रुपये हमारा किस पे लगने वाला है, इस पे डोर और विंडो पे, क्लियर यहाँ तक। फिर हम सेप्टिक टैंक का खर्चा पकड़ते हैं, 43,000 रुपये हमारा सेप्टिक टैंक में चला जाएगा। फिर जो हमारी रेलिंग लगेगी 40,000 हम रेलिंग का पकड़ लेते हैं। फिर मॉड्यूलर किचन अगर हम बनाने जाते हैं तो 25,000 रुपये हम मॉड्यूलर किचन का पकड़ के चलते हैं, तो मिसलिनियस खर्चे 25,000 और पकड़ लेते हैं, तो सबको ठीक है यहाँ तक हो गया। फिर आती है लेबर कॉस्ट, मतलब हमने सब मटेरियल ले लिया, आप टाइल लगा ली, टाइल का लगा दिया, लेकिन हमारे जो कॉलम कौन करेगा, ब्रिक वर्क कौन करेगा, प्लास्टर कौन करेगा, ये सब सीढ़ी कौन बनाएगा, तो वो लेबर कॉस्ट हमारा कितना होगा, मैंने जैसे कहा था आपको 25% हमारा लेबर कॉस्ट रहता है, तो इस समय लेबर कॉस्ट है 220 रुपये से 240 रुपये पर स्क्वायर फीट, जहाँ प्लिंथ से शुरू होगा और फिनिशिंग तक आपको करके देगा, जो टाइल वाइल छोड़ के, टाइल छोड़ दी, रेलिंग छोड़ दी, जो जो खर्चे लेबर के साथ मैंने बता दिए उनको छोड़ के, ये इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इस रेट में क्या क्या करके देते हैं, तो वो अलग है। तो 1,000 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था, 220 रुपये पर स्क्वायर फीट मैंने रेट पकड़ा लेबर का, तो हमारा कोई 2,20,000 रुपया हमारा किसमें लेबर कॉस्ट लगेगा कंस्ट्रक्शन करने में। तो टोटल अगर जो मैंने कॉस्ट बताई आपको वो टोटल करता हूँ, कुछ 18,88,450 रुपये हमारा खर्चा बनता है, ठीक है, इतना खर्चा हमारा बन रहा है। तो ये खर्चा अब देखो 18,1800 पर स्क्वायर फीट हम पकड़ के चले थे, तो ये 18,88,000 पहुंच गया, तो ये खर्चा आपको जो भी मैंने आपको बताया तो उसमें आपको 1,00,000-1,50,000 रुपया ऊपर नीचे होगा, ऊपर ही होगा, कम नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम रेट में लेके चल रहा हूँ। तो आपको पकड़ के चलना है कि अगर आप क्लास बी का घर बनाने की सोच रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहे हो, तो 1,800 से 1,900 रुपये पर स्क्वायर फीट इस समय लेके चलिए, क्योंकि आपको मटेरियल क्वालिटी का लगाना है और अच्छे तरीके से घर बनाना, घर एक बार बनेंगे और फ्रेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारा क्लास बी का घर, फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है, अगर जो हमारा क्लास सी का घर था वो हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसमें खर्चा हमारा कम आता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया हो, जो चीज़ें रह गई हैं, मिस हो गई हैं, जो चीज़ें और जानना चाहते हो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में वो भी कर लेंगे। थैंक यू गाइस।